जय हिंद। मैं हूं कमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज़। आज हम फिर चर्चा करेंगे विद्युत विभाग की लापरवाहियों पे। विद्युत विभाग ने जिस तरह से इस बार फिर से रेहरा उपकेंद्र को बिल्कुल से संज्ञान में लेना ही छोड़ दिया है, जैसे कि ये पता ही होगा कि पिछले साल से ही विद्युत विभाग पे लगातार सवाल उठते जा रहे हैं कि ये सप्लाइयों में कटौती क्यों हो रही है। कभी 132 का छलावा किया जा रहा है, कभी कुछ आश्वासन दिया जा रहा है, उपकेंद्र नए बनाए जाने का भी छलावा बीच में आपने देखा ही होगा कि उसका घारी घाट में चिन्हित भी किया गया था और उसका कुछ ना कुछ शिलान्यास भी हो गया था, लेकिन एक साल बीत जाने के बावजूद भी उसका नामो निशान नहीं है कहीं, ना कोई नाम लेवा है और ना ही कोई उसका जिक्र हो रहा है, ना ही कुछ उस पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और ना ही कोई संज्ञान में लिया गया है। यानी छोटा मोटा एक लुभावा दिया गया था क्योंकि उस वक्त इलेक्शन सर पे थे, जाहिर सी बात है इलेक्शन को कैश करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना बहुत ज़रूरी था। अब अगर रेहरा उपकेंद्र की हम बात करें तो रेहरा उपकेंद्र को इंटर डिस्ट्रिक्ट यानी गोंडा डिस्ट्रिक्ट से मनकापुर से 32 की सप्लाई मिलती है। आए दिन इनकी मनमानियाँ होती हैं, वो बिजली की कटौती करते रहते हैं, यानी मानक के अकॉर्डिंग हमको 18 घंटे की बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन रेहरा उपकेंद्र को यानी रेहरा बाज़ार से जो भी लगभग 5 लाख की जनता है, करीब 81 से 82 ग्राम सभाएं हैं जिनके मजरे होंगे, 10-10, 15-15 मजरे हैं, मिनिमम पाँच मजरे तो हैं हर एक ग्राम सभा के, यानी इतने उपभोक्ता होने के बावजूद भी यहाँ पे मनमानी कटौती हो रही है इस भीषण गर्मी में। जैसा कि देख ही रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में बारिश नहीं हो रही है जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, हो सकता है कि सूखा भी घोषित कर दिया जाए, ऐसे में बिजली का ना होना भी एक अलग आपदा है। यानी यहाँ के लोग इतना परेशान हैं क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ गई है कि घर में रहना मुश्किल हो गया है। अब ऐसे में अगर बिजली की कटौती भी होती रहेगी तो आखिर यहाँ की जनता करे भी तो क्या करेगी? क्या ये 5 से 6 लाख की जनता सरकार के लिए कुपोषित हो चुकी है? क्या इनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है? आखिर इस पे किसका ध्यान जाएगा? इन रेहरा उपकेंद्र की अगर बात करें, रेहरा ब्लॉक भी है, इस ब्लॉक में रहने वाले जितने भी लोग हैं, यहाँ के लोगों के भी एक दयनीय स्थिति है कि ये सिर्फ एक्टिव होते हैं इलेक्शन के टाइम पे, यानी वोट के लिए एक दूसरे को मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, नेताओं की दलाली करने में और नेताओं की टुच्चागिरी करने में इसमें नंबर एक रहते हैं, वहाँ अपनी नेतागिरी भी झाड़ते रहते हैं, लेकिन जब कोई डिमांड की बात आती है या सहूलियत की बात आती है, कुछ ऐसी सुविधाओं की बात आती है जो कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं में आती है, जैसे सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस पे आज तक यहाँ के लोगों ने कभी कोई सवाल नहीं किया। यही वजह है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी है, चाहे वो विधायक हो या सांसद हो, वो अपने कानों में न जाने कौन सा तेल डाल के सो जाता है, क्योंकि उसके यहाँ तो सोलर लगे हुए हैं, उसके यहाँ सारी फैसिलिटीज़ लगी हुई है, उसको हमेशा एसी में ही रहना है, एसी गाड़ियों में रहना है। जनता मरे तो मरे, और जनता भी मरने में भी अपना बहुत सुख प्रदान करती है, मतलब वो अपने आप को कहीं ना कहीं लकी भी समझती है कि हम सिर्फ नेताओं की ज़िंदगी भर पीछे ही रहेंगे, मांगेंगे, सारे सैक्रिफाइसेस करेंगे, हमको सुविधा नहीं चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सुविधा के लिए मर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, उनको सुविधा चाहिए, बिजली चाहिए, क्योंकि उनका परिवार है, उनका परिवार अगर इस बिजली की कटौती में, इस गर्म भीषण गर्मी में अगर वो पसीने पोंच रहे हैं रात भर उठ उठ के, कहीं ना कहीं उनको ये दुख होता है। और ऐसे ही दुख वाले कुछ व्यक्ति हमारे साथ आज मौजूद हैं जो फिर एक बार फिर से आवाज़ उठाना चाहते हैं कि आखिर विद्युत विभाग की लापरवाहियाँ क्यों हो रही है इतना। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विवेक जी, आइए इनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही है कि बिजली विभाग वाले अपनी हर बार मनमानियां करते ही रहे। जी विवेक जी, बताएं क्या हो रहा है इस बार, मतलब कि काफ़ी दिनों से तो बिजली आ भी नहीं रही है, पिछले आश्वासनों का क्या हुआ? आपने जो इतने ज्ञापन दिए थे 30-35 गाँव के, उसके बारे में क्या कहना है आपका, कोई अपडेट? गाँव के करीब 41 गाँव के ज्ञापन गए थे, पिछले वर्ष कुछ सही भी चला। देखिए, दो बार पिछले वर्ष परमिशन हुई 30-30 दिन के लिए 24-24 घंटे की, उसमें लाइट मिली। असल में समस्या ये नहीं, समस्या ये है कि ये पूरा का पूरा जो विकास खंड है अपना, ये डिसोन है। डिसोन मतलब ना इसको बलरामपुर ने ग्रहण किया है और ना ये अब गोंडा का हिस्सा बचा है। इंटर डिस्ट्रिक्ट सप्लाई मिलेगी। देखिए, हम आपको एक समस्या बताते हैं क्या, जैसे मान लीजिए 8 से 11 और 2 से 5 दो बारे लाइट कटनी है, 8 से 11 लाइट कटी, 11 बजे इन्होंने जोड़ा, कोई तार में फॉल्ट आ गई जिसको बनाने में 3 घंटे लगे, ठीक, 2 बजे लगभग लाइट बन के तैयार हुई आपकी, 2 से 5 ये फिर रोस्टिंग में चली जाएगी। क्यों?
जिस डिस्ट्रिक्ट को सप्लाई देनी उन्हें देंगे, तो आपकी लाइट कब से कटी? सुबेरे 8 से लेकर शाम के 5 तक पूरी कट गई। उससे ही बड़ी दिक्कत मैं आपको बताता हूँ क्या है, उससे बड़ी दिक्कत हुई कि हमारे इस क्षेत्र के जो कुछ अग्रणी लोग हैं, इस क्षेत्र के आसपास के लोग कुछ अग्रणी लोग हैं, जब पिछले वर्ष खूब आवाज़ उठाई जा रही थी, खूब क्षेत्र में हल्ला गुल्ला किया गया, सब कुछ किया गया, लगभग 14-15 घंटे लाइट पा भी ली गई थी, मेरे पास कई सारे पत्र भी रखे हैं, तो उसमें एक उत्तर ये सुनने को मिला, अगर आपको नाम चाहिए तो कर लीजिए, रेहरा मनकापुर के तार बदले जा रहे हैं, रेहरा मनकापुर के तार बदलने के बाद सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से कह देता हूँ कि रेहरा मनकापुर के बीच में अगर सोने का तार लग जाएगा ना, तो भी आपको लाइट नहीं मिल पाएगी। आपने हमसे एक न्यूज़ में पूछा था कि घारी घाट बनने से आप संतुष्ट हैं या नहीं हैं, हमसे तो यही कहा था कि आखिर कौन सा लॉलीपॉप मिल गया आप लोगों को जो इतना संतुष्ट हो रहे हैं, घारी घाट में बन जाए चाहे जहां बन जाए, आपको लाइट तभी मिलेगी, तभी मिल पाएगी आपको लाइट जब आप बलरामपुर से अलग होंगे या जब आपके पास 132 स्टेशन अपना होगा। 33 केवी स्टेशन आपको उतना पोषित नहीं कर पाएगा। तो हमको एक दुख पिछले साल था, आज दो दुख है। दूसरा दुख किस बात का है, पहला दुख हम बता देंगे बाद में। दूसरा दुख हमको इस बात का है कि इस क्षेत्र में जो स्थायी रूप से नेतृत्व कर रहे हैं, जो स्थायी रूप से जिनकी राजनीति चल रही है, स्थायी रूप से जो पदाधिकारी रह चुके हैं, उनको कोई रुचि नहीं है, उनको सिर्फ एक आश्वासन चाहिए, और जिस आश्वासन को वो जनता पे पास ऑन कर देते हैं और चाहते हैं इसी आश्वासन को लेके रहें। हमें नहीं लगता कि अगर 24 घंटे को झाड़ू से बटोर दिया जाए तो 4-5 घंटे ज़्यादा लाइट तो नहीं मिल रही है, और वोल्टेज ऐसे आता है जैसे किसी बुड्ढे का जबड़ा हिल रहा हो, उसमें आपके LED बल्ब जल सकते हैं, आपका पंखा भी नहीं चल सकता, खाली आप देखेंगे हाँ पंखा चल रहा है लेकिन किसी काम का नहीं है। तो समस्या ये हो रही है कि आपको लाइट नहीं मिल रही है, आपको वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अब आपको लाइट कैसे मिलेगी? आपको लाइट तब मिलेगी जब आपके पावर हाउस पे जो टोटल सप्लाई आ रही है उसके बीच में जैसे मान लीजिए किसी एक तरफ का तार गिरा, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि दूसरे सेक्शन की लाइट ना बंद की जाए। सादुल्ला नगर के अगर एक पावर हाउस से, एक फीडर से एक पोल की लाइट कटी है, सिर्फ उसकी काटी जाए। मैं बिजली विभाग के JE और SDO से निवेदन भी कर रहा हूँ और चेतावनी भी दे रहा हूँ कि अगर आपके पावर हाउस पर किसी एक जगह तार खराब है तो मान्यवर कृपया फ्यूज खोल के काम करें। अगर आपने पूरा फीडर बंद करा के काम किया तो आपके खिलाफ हम कदम उठाएंगे। विवेक जी, एक सवाल यहाँ ये उठता है कि पिछले साल भी आपने जिस तरह से आवाज़ उठाई थी, लोगों को संज्ञान में भी आया था कि हाँ विवेक श्रीवास्तव इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, सिर्फ विवेक श्रीवास्तव ही क्यों? यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कोई कर्तव्य नहीं है क्या? इनको सिर्फ वोट के टाइम ही ये समझ में आता है कि हम जनता के लिए हैं? अरे वोट के टाइम भी नहीं समझ में आता है, वोट के टाइम ही समझ में आ जाए तो 4-6 महीना तो चल जाए। ये कहते हैं ये सब मुद्दे ही हमारे नहीं हैं। विधानसभा में ये हो जाता है, संसदीय क्षेत्र का मुद्दा है, सांसद चुनाव में जाएगा विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा है, त्रिस्तरीय चुनाव में इसकी कोई चर्चा ही नहीं होती, वहाँ तो सिर्फ दारू और पैसा चलता है, उसकी तो खैर चर्चा ही छोड़ दी है त्रिस्तरीय चुनाव की। तो यहाँ चुनाव से आप इसको जोड़ते ही क्यों हैं? आपको अगर रोटी चाहिए तो आप उसको चुनाव के दिन मांगने जाएंगे? हमारे शरीर से पसीना बह रहा तो हम चुनाव के दिन बोलने जाएंगे? हम नहीं बोलने जाएंगे। अगर आपका इलाका, आप सबसे मैं कह रहा हूँ, अगर आपका इलाका ऐसा है जिसको बलरामपुर ने आज तक ग्रहण नहीं किया है, हम लोग कुआनों के पानी के सहारे लटके हुए हैं और गोंडा ने छोड़ दिया है, तो आप लोग को उठ के आवाज़ लगानी पड़ेगी, आपको चिल्लाना पड़ेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए पीछे ट्रांसफार्मर है 400 केवी का, अगर ये ख़राब है तो पूरा सादुल्ला नगर फीडर के 27 गांव क्यों रोक दिए जाते हैं लाइट देने से? एक एक लाइन मैन की मनमानी चलती है यहाँ पर। एक जगह फ्यूज खोलना है, अरे 10 ही मिनट की तो बात है, बंद करा लेते हैं। क्यों 10 मिनट की बात है, 10 मिनट क्यों बंद रहे? अरे मिली कितनी देर है, 1 घंटे लाइट मिल रही, 10-10 मिनट के लिए तुम 3 बार बंद करा लोगे उसमें क्यों? एक जंक्शन आपको सही करना है, 4 जगह का बंद रहेगा, पूरा फीडर बंद रहेगा। अभी बिजली की जो कटौती हो रही है इसके ऊपर मेरी उच्च अधिकारी से, AC से और XCN से, इन लोगों से बात हुई, उस बात में उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि 5 जुलाई को हमने पत्र लिखा है, 24 घंटे सप्लाई उपकेंद्र को अगर मिलती है तो उसमें से हम आपको 17-18 घंटा दे सकते हैं। 5 जुलाई को पत्र लिखा गया है, आज 17 जुलाई है, अभी तक इसका निस्तारण नहीं हुआ, इस बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो आप ये समझिए, हमको 24 घंटे लाइट जो मांगनी पड़ती है 1-1.5 महीने के लिए, वो क्यों मांगनी पड़ती है? हमको 24 घंटे लाइट इसलिए मांगनी पड़ती है, रोस्टिंग उसमें भी होगी, ऐसा नहीं कि हमने 24 मांगी तो हमको 24 मिल जाएगी, हमको 24 कभी नहीं मिलेगी। हमको 24 तब मिलती है कि कटौती पिटौती काटने पीटने के बाद, फीडर के लोड को देखने के बाद हमको 16-17 दे ले जाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीने या बहुत ज़्यादा तो साल में 1.5 महीने के लिए 24 घंटे लाइट मिल सकती है।
तो आप ये सोचिए बाकी जो आपके 11.5-10 महीने बच रहे हैं उसमें तो आपको कभी भी लाइट नहीं मिलेगी। ठंड है, आपके LED बल्ब हैं, काम चल जा रहा है, गर्मी में कैसे काम चलेगा। अब बारिश नहीं हो रही है, सबका परेशानी हो रही है। इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है, 24 घंटे हमको चाहिए क्यों भाई, हम तो गांव के लोग हैं, 18 घंटे में हमें सबर है। रात में सो लेने को दे दे, दिन में 4-6 घंटे के लिए व्यापार करने दे दे, शाम सुबह तो अधिकांश लोग खेतों में रहते हैं, कार्यालय में रहते हैं, हमको क्या जरूरत 24 घंटे लाइट की। हमें 19 घंटे दे दो हम संतुष्ट हैं। लेकिन आप 19 घंटे दे ही तब पाओगे जब आपको 24 घंटे मिलेगी। क्यों? आपके रोस्टिंग का टाइम जो नोट हो जाता है कि मनकापुर से लाइट हम 8-11 नहीं देंगे, 2-5 नहीं देंगे, लेकिन अगर उसके बीच में आपके तार टूट जाते हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर एक आंधी आ गई बैरिया सुरजनपुर में, तार टूट गया तो रहरा पूरा पावर हाउस चलेगा। मनकापुर ने पूरी सप्लाई दी, आप समझिए षड्यंत्र को। हम लोग अचलपुर चौधरी पावर हाउस से हैं, लेकिन अगर बैरिया सुरजनपुर का तार टूटा हुआ है या कोई भी तार इसके बीच में टूटा है और रहरा पावर हाउस की लाइट चल रही है तो मनकापुर ये कह देगा कि हमने लाइट 18 घंटे चलवाई, हमारी लाइट 18 घंटे गई, हमारे पास पहुंची या नहीं पहुंची इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। हम लोग डिसोन हैं, डिसोन मतलब हम लोगों को छोड़ दिया गया है कि आप लोग किसी लायक नहीं हैं, ना आप बलरामपुर के ना आप गोंडा के हैं। अभी इस पे फर्दर क्या होने वाला, क्या इरादा है कि मतलब किस तरह से इसको आप देखिए। सबसे पहले तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आप डिफरेंट एरियाज़ में जाइए, न्यूज़ कवरेज कराइए, लोगों के स्टेटमेंट लीजिए, लोगों की परेशानी अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचाते रहिए, पत्र लिखते रहिए। मैं आपसे बता रहा हूँ कोई ज़रूरत नहीं 3,000-4,000 आदमी का दस्तखत कराने की, आप अकेला पत्र लिख देंगे तो भी सुनवाई होगी। चिट्ठी लिख दीजिए, 2 लाइन लिख दीजिए, हमारे गांव में लाइट इतने बजे से इतने बजे तक आई। एक घर में कोई नोट कर ले, एक बच्चे को बैठा के कि इतने बजे आई इतने बजे गई, ऐसे करके लास्ट में आप 24 घंटे जोड़ के आप 2 दिन का अगर आप सरकार को ईमेल कर देंगे, चिट्ठी पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ट्वीट कर देंगे तो उस पर ध्यान दिया जाएगा। उससे क्या होगा, जो बिजली विभाग के लाइनमैनों की मनमानी है कि कभी भी कोई भी फीडर खुलवा बंद करा देते हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। तो जो लाइट हमारे पास आ रही है वो हमारे पास प्योर लाइट आएगी, जहाँ ख़राब होगी वहाँ चली जाएगी। अब इसके बाद क्या किया जाएगा, गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाएगा, कम से कम जब तक बारिश नहीं हो जाती है या उमस भरा मौसम है, हमको 24 घंटे की लाइट की सप्लाई दी जाए ताकि हम लोग 18-19 घंटे लाइट पा सकें। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगले शुक्रवार शनिवार से हम कैंपेन शुरू कराने जा रहे हैं फिर से सिग्नेचर। इस बार हमारा कैंपेन बिजली विभाग पे नहीं, इस बार कहते हैं ना ब्रांच ऑफिस पे नहीं, इस बार हम सीधे हेड ऑफिस पे धक्का मारेंगे। हम इस पूरे 81 के 81 ग्राम सभा को तैयार करने जा रहे हैं, आप सब हमारे साथ हस्ताक्षर करिए। और इस हिस्से को जिसको बलरामपुर ने ग्रहण नहीं किया है तो हम बलरामपुर को प्रणाम करने को तैयार हैं और हम वापस गोंडा में चलने के लिए तत्पर हैं। हम सब लोगों को ये बताना पड़ेगा, जिस दिन आप वहाँ चले जाएंगे जितनी देर लाइट आती आएगी, जितनी कटौती होगी दूसरे पावर हाउस के साथ एडजस्ट करके आपको पूरी सप्लाई दी जाएगी। आप बलरामपुर से कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकते, लिख लीजिए सर कोई मूल्य। क्या कहना है गुप्ता जी, आप सही बात कह रहे हैं, लाइट की तो बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है लाइट की। तो जैसे अभी विवेक जी जैसे कह रहे हैं, बहुत सही, आप लोगों का क्या सहयोग? बहुत सही बात कह रहे हैं जी। हाँ, ये आवाज़ हेड ऑफिस तक जाना चाहिए। क्या कहना है आपका? यही है, बराबर सही बात है। जो बिजली की से पीड़ित हैं आप? नहीं, पीड़ित हैं, हमेशा पीड़ित हैं, रात दिन बराबर एकदम गर्मी से जूझ रहे हैं। समझो हमारे यहाँ के विधायक और MP लोग क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं सुनवाई करते हैं, ये कभी सुनवाई नहीं करते। कभी कहा गया इनसे? कहा गया लेकिन सुनवाई कुछ भी बात के लिए नहीं है। अब आइए कुछ यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारियों से भी जानते हैं कि इन पे क्या बीत रही है। भैया आप ऐसी हालत में क्यों हैं? भैया क्या किया जाए, जैसे कुछ बिजली की व्यवस्था यहाँ सुचारू ढंग से चल नहीं रहा है। हम लोग लगभग गर्मी आते ही या परेशानी देखना चालू कर देते हैं। हमारे परेशानी का कारण यह है भैया कि जब तक बिजली की व्यवस्था नहीं सही हो रही, हम लोग करें क्या ये बताइए। जैसे यहाँ का हिसाब किताब तो ये है कि अगर 10 मिनट के लिए आती है तो 2 घंटे के लिए चली जाती है। तो इसका इस तरीका क्या है भाई साहब? जैसे कोई मानक है आने का या जाने का कोई तरीका भी, या कोई टाइम टेबल है इसका, या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये आप लोग जैसे व्यापारी हैं तो आप लोगों ने कभी इसकी चर्चा यहाँ के जनप्रतिनिधियों से की? जैसे जनप्रतिनिधि से हमारी भाई साहब कोई मुलाकात होगी तब तो हम करेंगे। जब यहाँ से जब उनको वोट लेना होता तब ये यहाँ आएंगे लोग? और पहली बात, किस जनप्रतिनिधि से करें हम, हमें यह जानकारी भी तो बताया जाए किस जनप्रतिनिधि से। जिस विभाग का यह मामला है उस विभाग का कोई आदमी मिलता नहीं, कोई कर्मचारी मिलता नहीं, किसी का फ़ोन लगता नहीं, तो इस बारे में किससे हम चर्चा करें? तो क्या इसके लिए क्या चाहते हैं आप? इसके लिए हम ये चाहते हैं कि आप जैसे एक पत्रकार बंधु हैं, हम लोगों का साथ में लेकर आप ही कोई इसका आपके माध्यम से जो है बात आगे रखा जाए। हाँ, क्योंकि लाइट की व्यवस्था दिन प्रतिदिन हम देख रहे हैं, जब भी गर्मी आती है तो हमेशा जो है यही स्थिति बना रहता है। मेरे हिसाब से 24 घंटा में 2 घंटे लाइट बराबर नहीं मिल पा रहा है जी भैया। तो हम लोग चाहते हैं कि आपके माध्यम से जो है इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। क्या कहना है आपका? सही कह रहे हैं सर, ये बात तो सही है।
और सबसे बड़ी समस्या यहाँ और भी है, अगर लाइट ख़राब हो जाती है तो कोई सुनने वाला नहीं है जी। इस पर विशेष भी ध्यान दिया जाए, कम से कम एक कंप्लेंट किया जाए, उसका FIR दर्ज हो तो उसको कम से कम तुरंत आके ठीक किया जाए जी। सबसे बड़ी समस्या ये भी, अगर किसी का लाइन ख़राब हो जाता है कोई सुनने वाला नहीं है। ये है यहाँ के आम जनमानस की हालत, यहाँ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं लोगों का, मतलब एक तरह से विद्युत विभाग से भरोसा ही टूट रहा है, कि लोग इतना पीड़ित हैं, इतना प्रताड़ित हैं, इतना परेशान हैं कि वो कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली विभाग के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। आखिर क्या वजह है, क्यों, क्या सिर्फ यही एक वजह है कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट होने की वजह से ही अपनी मनमानियाँ चलाई जा रही हैं, आए दिन कभी भी रात में बिजली काट देंगे या दिन में काट देंगे, यानी 24 घंटे में 2-3 घंटे भी मिल पाना मुश्किल है। वहीं लगातार ये भी हो रहा है कि कहीं ना कहीं सर्विलांस टीम बनाई जाती है बिजली विभाग की तरफ से पूरे मार्केट की, या पूरे जितने भी इस उपकेंद्र के अंतर्गत जितने भी ग्राम सभाएं आती हैं, जितने भी उपभोक्ता आते हैं, उन लोगों की मीटर रीडिंग की भी चेकिंग होती है, हर तरह की चेकिंग होती है, अभियान तो तरह तरह के चलाए जा रहे हैं, कनेक्शन भी काटा जा रहा है, लेकिन वहीं पर ये नहीं देखा जा रहा है कि इनको हम कितना सप्लाई दे पा रहे हैं। सारे नियमावली का पालन किया जा रहा है, सिर्फ एक ही नियम का पालन नहीं हो पा रहा, और वो है बिजली की सप्लाई। सप्लाई के नाम पे यहाँ लगातार कटौतियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जनमानस में एक आक्रोश बना हुआ है। अब ये आक्रोश किस पे फटेगा, कहाँ थमेगा, कहाँ जाके रुकेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहिए इंडिया टाइम्स के साथ।